नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। नंगल के गांव पट्टी के निकट श्री अनंतपुर साहिब हाइडर नहर में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की। मिली जानकारी के अनुसार यह डेड बॉडी पिछले दो दिनों से जहां एक साइफन पुल के फंसी हुई थी, और आज इस डेड बॉडी के बारे में गाँव पट्टी के सरपंच ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने डेड बॉडी को नहर से निकालकर फिलहाल पहचान के लिए सुरक्षित मोर्चरी में रखवा दिया है। पहले सुने क्या कहा गाँव के सरपंच उधर मौके पर पहुंचे एएसआई बलराम शर्मा ने कहा कि फिलहाल डेड बॉडी की पहचान नहीं हुई, इसलिए इस डेड बॉडी को 72 घंटों के लिए सुरक्षित मोर्चरी में रखवा दिया है ताकि इसकी पहचान हो सके, और अगर पहचान ना हुई तो इसका अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। क्या कहा एएसआई बलराम शर्मा ने, आप भी सुने। एक सरपंच का फोन आया पिंड पट्टी तो बिकू का ना डेड बॉडी लगी है, मौका देखे तो अगर डेड बॉडी कढ़ाई अपने मुंडे की मदद नाल सरपंच साहब भी इतने मौके पर जिन्हें लाल रंग की टी शर्ट तो काले रंग का लोअर पाया वा ये पहचान 72 घंटे वास्ते रखनी है। तो अगली सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।